बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी कुकिंग एंड टेबल सेटिंग। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बनानी बताऊंगी इमली की मीठी चटनी। मीठी चटनी आप किस तरह से बना सकते हैं, हम इस चटनी को कुक नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको बनाएंगे। ये बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको समोसे के साथ, चना चाट और किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो जी दोस्तों, इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम के करीब इमली ली थी और इमली को मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ पहले भिगो कर रख दिया था। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका पल्प और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाए ईजीली। उसके साथ ही साथ ये मैंने 50 ग्राम ली थी, उसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर आधा कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी इमली की मीठी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इमली में से इसकी ये गुठलियाँ जो हैं इसको सेपरेट कर लेंगे और इमली का ये पानी जिसमें हमने इसको भगोया है इसको हम ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कर कर हम इमली की गुठलियों को और जो पल्प है हम उसको सेपरेट करते जाएंगे। जी तो ये मैंने इमली के पानी में से गुठलियों को बिल्कुल अलहदा कर दिया है, ये सिर्फ अब इमली का पल्प और इमली का पानी जिसमें हमने उसको भिगोई थी सिर्फ वो रह गई है। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर ये 1/2 कप के करीब शुगर जो है वो ऐड कर देंगे। ये कटी हुई लाल मिर्च और नमक इसको ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। जी तो दोस्तों, हमारी ये मज़ेदार सी झटपट जो है इमली की मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम ब्लेंडर से निकाल लेंगे किसी बर्तन में। जी तो ये हमारी मज़ेदार सी झटपट जो है वो इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 कप से ज़्यादा भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 कप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस चीनी को आप सिर्फ 4 से 5 दिन तक किसी बॉटल में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख कर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको पकाया नहीं है इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाती है। जो चटनी हम पकाते हैं उसको हम महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी को आप सिर्फ 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करें और इसको इस्तेमाल करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे बताइएगा कि झटपट तैयार होने वाली इमली की मीठी चटनी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।